आज की हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। बच्चों, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम तब यूज करते हैं जब सल्यूट नॉन वॉलेटाइल हो। नॉन वॉलेटाइल का मीन्स है ऐसा सल्यूट जो वेपर स्टेट में कन्वर्ट नहीं होता हो। तो जब हम नॉन वॉलेटाइल सल्यूट को वॉलेटाइल सॉल्वेंट में डालते हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर इफेक्ट पड़ता है। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर इफेक्ट कैसे कर पड़ता है? सॉल्यूशन प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल। जिस सॉल्यूट में ज़्यादा आयंस होंगे उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इंक्रीज या डिक्रीज कर जाएंगी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज दो बातों पर मेनली डिपेंड करती है, सॉल्यूट के पार्टिकल कितने हैं मतलब वो कितने आयंस देगा, और सॉल्वेंट का नेचर क्या है। पर सॉल्वेंट के नेचर को हम बाद में देखते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कभी भी नेचर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड नहीं करती है, मतलब उसको इस बात से कोई लेना देना नहीं है हमने कौन सा सॉल्ट उसमें ऐड किया है। सिर्फ उसमें इम्पॉर्टेंट यह है कि वो टूटकर कितने पार्टिकल देगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चार होती हैं, जो फर्स्ट है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकेंड का नाम ऑस्मोटिक प्रेशर, थर्ड का नाम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और फोर्थ का नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसमें से दो प्रॉपर्टीज पार्टिकल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। कौन कौन सी? ऑस्मोटिक प्रेशर और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम पार्टिकल बढ़ा देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन ज़्यादा होगा या बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा और उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा आएगा। तो अगर हम वाटर में सॉल्ट डाल दें तो सॉल्ट नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस है और ये वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देगा जिससे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। तो जिसके पार्टिकल ज़्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, और जिसके पार्टिकल ज़्यादा उसका वेपर प्रेशर कम और फ्रीजिंग पॉइंट कम। तो हम देखते हैं पार्टिकल। अगर हम पार्टिकल देखेंगे तो ग्लूकोज सुक्रोज और यूरिया जब ब्रेक नहीं होंगे तो एक ही पार्टिकल की तरह बिहेव करेंगे, जबकि NaCl और KCl के डिकम्पोजिशन से हमको दो पार्टिकल मिलेंगे, BaCl2 और कैल्शियम नाइट्रेट के डिकम्पोजिशन से 3 पार्टिकल मिलेंगे, इस पोटेशियम फेरिसाइनाइड से 4, पोटेशियम फेरोसाइनाइड से या एल्यूमिनियम सल्फेट से 5 पार्टिकल्स मिलेंगे, और जिरकोनियम फॉस्फेट से हमको मिलेंगे 7 पार्टिकल, और एलम से मिलेंगे हमको 8 पार्टिकल। अब कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन कैसे आते हैं या स्कूल में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा आएगा? इन सारे सब्सटेंसों में से किसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा? तो सबसे ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा एलम का, क्योंकि इसके पार्टिकल 8 हैं। उससे कम जिरकोनियम फॉस्फेट, उससे कम पोटेशियम फेरोसाइनाइड, उससे कम फेरिसाइनाइड, फिर Na2SO4, फिर NaCl KCl, फिर ग्लूकोज। या छोटा क्वेश्चन आएगा ग्लूकोज और Na2SO4 में से किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा और क्यों? तो Na2SO4 ऑस्मोटिक प्रेशर इज हायर देन ग्लूकोज बिकॉज Na2SO4 ऑन डिकम्पोजिशन प्रोड्यूस 3 आयन बट ग्लूकोज ओनली 1। सो Na2SO4 ऑस्मोटिक प्रेशर इज हायर देन ग्लूकोज। ओके, तो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसका नाम है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर क्या होता है पहले यह समझते हैं। हमने एक कंटेनर में H2O को फिल कर दिया, H2O को फिल कर दिया और जब नीचे से इसको हमने हीट करना शुरू किया तो वाटर के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई और इंक्रीज होने की वजह से जिन मॉलिक्यूल की एनर्जी ज़्यादा हो गई वो सरफेस को छोड़कर ऊपर चले गए और वेपर्स में कन्वर्ट हो गए। तो इनिशियली इवेपोरेशन स्टार्ट हो गया एक टाइम, क्योंकि कंटेनर क्लोज्ड है तो ये वेपर्स के मॉलिक्यूल बाहर नहीं जाएंगे, थोड़ी देर टकराएंगे और इनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। तो अब एक टाइम ऐसा आएगा जितने मॉलिक्यूल इवेपोरेट होंगे उतने ही मॉलिक्यूल कंडेंस हो जाएंगे, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन और कंडेंसेशन की रेट इक्वल हो जाएगी और इस टाइम जो प्रेशर होगा उसको हम कहेंगे वेपर प्रेशर। अब हमने क्या किया, इसके अंदर कोई नॉन वॉलेटाइल सल्यूट डाल दिया, जैसे NaCl, ग्लूकोज, मिट्टी, कुछ भी डाल दी, तो मिट्टी या ग्लूकोज के कुछ पार्टिकल इसके सरफेस पे आ जाएंगे।
तो अब हमने इसमें क्या किया, कुछ सॉल्यूट के नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल डाल दिए, जैसे एक ये डाला, एक ये डाला, एक ये डाला, तो जहां जहां ये पार्टिकल प्रेजेंट होंगे उन जगह से वेपर्स का फॉर्मेशन रुक जाएगा और पहले के कंपैरिजन में कुछ ही मॉलिक्यूल इवोपरेट होंगे, इवोपरेट होंगे तो इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा और इसको हम पीएस से दिखाएंगे। तो इसके वेपर प्रेशर को हम पी नॉट ए से डिनोट करेंगे और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को हम पीएस से डिनोट करेंगे। तो पी नॉट ए ज़्यादा होगा और पीएस कम होगा, तो पी नॉट ए में से जब हम पीएस को माइनस करेंगे तो हमारी आ जाएगी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, कि कितना वेपर प्रेशर कम हो गया। अब रिलेटिव का मतलब क्या हुआ, रिलेटिव का मतलब है कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पी नॉट ए के कंपैरिजन में कितना कम है। तो पी नॉट ए के कंपैरिजन से डिवाइड कर देंगे लोअरिंग को और ये बराबर होती है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। इसको देखकर राउट्स ने लॉ दिया कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की जगह हमने थोड़ा इलॉर्बेट बड़ा फॉर्मूला लिख दिया, एन बी डिवाइडेड बाय एन ए एन बी। एन बी यहाँ पर सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन है और एन ए यहाँ पर सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन है। अगर सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट है और वो आयंस में टूट रहा है तो हम इस फॉर्मूले में आई और लगा देंगे। आई का मतलब वॉन्ट ऑफ फैक्टर है या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल। अगर क्वेश्चन में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे रखी है तो हम आई का यूज करेंगे, और अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं दे रखी है तो कोई सब्सटेंस पूरा जितने आयंस देता है उसको ही आई की जगह रख देंगे। तो आई इक्वल टू एम होता है जब वो 100% टूट जाए, जैसे NaCl में 2 आयंस है तो हम 2 रख देंगे। ये 3 फॉर्मूले हमें न्यूमेरिकल के लिए काम आते हैं, और 12th क्लास में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि राउट लॉ को ड्राइव करके दिखाओ, तो हम मैं दिखाता हूँ आपको राउट्स लॉ ड्राइव कैसे करते हैं। तो हमने इससे लास्ट वीडियो में राउट्स लॉ पढ़ा था वोलेटाइल के लिए, जिसमें दोनों सब्सटेंस ही वोलेटाइल थे, कि अगर दोनों वोलेटाइल हैं तो टोटल वेपर प्रेशर ए और बी के पार्शियल वेपर प्रेशर के सम के इक्वल होता है। हमने पार्शियल वेपर प्रेशर की जगह पर लिख दिया पी नॉट ए काई ए, ये ए का पार्शियल प्रेशर है, और पी नॉट बी मल्टीप्लाई काई बी, बी का पार्शियल प्रेशर है, क्योंकि बी हमारा नॉन वोलेटाइल है, क्योंकि वी हमारा नॉन वोलेटाइल है तो इसका तो कोई वेपर प्रेशर हो ही नहीं सकता, तो ये जीरो हो जाएगा पार्ट, ये जीरो हो जाएगा तो पी टी केवल किसके बराबर रह जाएगा, सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के बराबर। अब हम क्योंकि सब टोटल प्रेशर सॉल्यूशन के बराबर है तो सॉल्वेंट के बराबर है, तो हमने पीटी की जगह पर पीएस रख दिया और इस काई ए की जगह पर, काई ए की जगह पर उसका मोल फ्रैक्शन रखेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारी फॉर्मूला हो गया। अब हमने क्या किया, काई ए की जगह पर 1 माइनस काई बी रख दिया, क्योंकि हमने लास्ट सेकंड लास्ट वीडियो में पढ़ा था काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1 होता है। तो हमारा फॉर्मूला हो गया पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए 1 माइनस काई बी। अब हमने पी नॉट ए से 1 को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया पी नॉट ए, और पी नॉट ए से जब काई को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया पी नॉट ए काई बी, ठीक है। अब हमने क्या किया, तो आप देख सकते हैं जो टोटल वेपर प्रेशर है वो दोनों के पार्शियल वेपर प्रेशर के इक्वल होगा। पार्शियल वेपर प्रेशर की वैल्यू जब हम यहाँ पर रखेंगे तो ये पी नॉट का ये हो जाएगा, और सॉल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन है वो क्योंकि नॉन वोलेटाइल है तो पी नॉट बी और का ये भी हो जाएगा, क्योंकि बी नॉन वोलेटाइल है इसलिए पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा और पी टी केवल सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल हो जाएगा। अब जब सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल हो जाएगा तो वही सॉल्यूशन हो जाएगा, तो हम टी की जगह पर पी एस रख देंगे और काई ए की जगह पर 1 माइनस काई बी रख देंगे। हम पी नॉट को देख सकते हैं नीचे ले आए तो उधर 1 माइनस काई बी रह गया, ठीक है। जब काई बी को इधर लाएंगे
और इस वाले पार्ट को इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और काई भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमें ये फॉर्मूला मिल जाएगा जो राउट्स लॉ का फॉर्मूला है। अगर काई भी की यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे तो हमें काई भी बराबर बेस्ट बच्चों को आते होगा सोल्यूट के मोल ऊपर और सॉल्वेंट और सोल्यूट के मोल नीचे, जिसको हम मोल फ्रैक्शन कहते हैं। अगर सोल्यूट इलेक्ट्रोलाइट है और आयंस में टूट सकता है तो हम आई का यूज करेंगे, पर कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे को हमेशा ही आई का यूज करना चाहिए। आई यहाँ पर वांट ऑफ फैक्टर है जो नंबर ऑफ पार्टिकल के बराबर होता है। यहाँ पर क्वेश्चन करने की मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि पी नॉट ए ज़्यादा होता है और पी एस हमेशा थोड़ा सा कम होता है। अगर आप इस लाइन को याद रखोगे तो आप कॉम्पिटिटिव लेवल पर ज़्यादातर क्वेश्चन बिना करे ही कर सकते हो कि पी एस की वैल्यू पी नॉट ए से थोड़ी कम आती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्वेल्थ क्लास की डेरिवेशन और ये हो गए तीन फॉर्मूले एंड वाले जो न्यूमेरिकल निकालने के काम आते हैं। तो हम शुरू करते हैं और ये फॉर्मूला बच्चों लगेगा कब, ये फॉर्मूला लगेगा जब सोल्यूट नॉन वोलेटाइल हो। तो क्वेश्चन में आप हमेशा देख लें कि नॉन वोलेटाइल या ग्लूकोज लिखा है तो ये वाला फॉर्मूला, और अगर नॉन वोलेटाइल नहीं लिखा है तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ये वाला डाल्टन राउल्ट्स का फॉर्मूला जब दोनों वोलेटाइल हो तब लगेगा, और ये वाला फॉर्मूला तब लगेगा जब सोल्यूट कैसा हो, नॉन वोलेटाइल। ओके, तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वन मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन इट, और इसके पी नॉट ए की वैल्यू आप देख सकते हैं कितनी दे रखी है, 12.3 किलो पास्कल। अब अगर हमें कॉम्पिटिटिव देना है तो कैसे करेंगे, इसका पी एस 12.3 से थोड़ा सा कम आएगा, थोड़ा का मतलब 12 के करीब करीब ही हो जाएगा। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा 12 के आसपास जो भी होगा, या फिर हम करके देखते हैं ट्वेल्थ लेवल पर। तो अब ट्वेल्थ लेवल पर करेंगे तो सबसे पहले हमें वन मोलल का मतलब पता होना चाहिए। वन मोलल का मतलब है कि वन मोल सोल्यूट 55.5 मोल H2O में प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू को रखना शुरू करते हैं। तो हमने वैल्यू को रखना शुरू किया तो आप देख सकते हैं पी नॉट इसकी वैल्यू 12.3 हो जाएगी। पी एस हमें निकालना है तो नीचे वाले की वैल्यू हुई 12.3 किलो पास्कल हो जाएगी। सोल्यूट के मोल्स आप जानते ही हैं क्योंकि वन मोलल सोल्यूशन है तो वन हो जाएगा, लेकिन नीचे H2O के मोल फ्रैक्शन की वैल्यू मतलब मोल्स की वैल्यू 55.5 होगी और Na की वैल्यू फिर Nb की वैल्यू फिर से वन आ जाएगी। इस सब को हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा बच्चों, 12.3 के करीब। तो आप अगर सॉल्व करके देखें तो ये 0.77 किलो पास्कल के आसपास आएगा। ओके, तो हमारा क्वेश्चन आंसर आ गया किलो पास्कल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 15 है और बहुत ही इंपॉर्टेंट और अकल वाला क्वेश्चन। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, एक एक्वस सॉल्यूशन है और जो 2% नॉन वोलेटाइल है। देखो बच्चों, ये नॉन वोलेटाइल दिखा ना, इसको देखते ही ये समझ आ गया कि ये वाला फॉर्मूला या इसके ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा। उसका प्रेशर दे रखा है 1.004 बार एट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। इसमें ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिसको ये लाइन नहीं आती वो इस क्वेश्चन को कर ही नहीं सकता, और वो हमसे सोल्यूट का मोलर मास पूछ रहा है। तो बच्चों नॉर्मली हम क्या करते हैं, बार और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बराबर ले लेते हैं, लेकिन दोनों बराबर नहीं होते हैं, दोनों बराबर नहीं होते हैं। 0.987 एटमॉस्फेयर इक्वल टू 1 बार होता है। तो ये कहता है 100 डिग्री पर इतना बार है, 100 डिग्री पर इतना बार है। तो जब हम 100 डिग्री और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 180 पर 100 डिग्री होता है, तो जो पी नॉट की वैल्यू है वो हम निकालेंगे तो ये इतनी आती। ठीक है ना, मैं आपको करके भी दिखा देता हूं यहां पर।
तो हम कैसे करेंगे, 0.987 atm इक्वल टू 1 बार, ठीक है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट 1 atm पे निकालते हैं, तो 1 atm इक्वल टू 1.013 बार। ये इसका अक्ल वाला पोर्शन है, और जिसको ये नहीं आता वो टीचर भी इस क्वेश्चन को नहीं निकाल सकता। तो P नॉट यहाँ पर निकालना पड़ेगा, तो हमने P नॉट की वैल्यू आप देख सकते हैं, P नॉट की जगह रख दी, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 1.04 बार दिया है, फिर से P नॉट A की वैल्यू रख दी, ठीक है ना। आप 2% का मतलब क्या हुआ कि 2 ग्राम है, तो ग्राम की जगह हमने 2 रख दिया और एमबी की जगह हमने नीचे रख दिया, ओके। और हमने यहां पर रिड्यूस फॉर्मूला यूज किया है। रिड्यूस फॉर्मूले में हम कभी कभी क्या करते हैं कि सॉल्यूशन को डाइल्यूट मानकर वहां से सॉल्यूट के फॉर्मूले को नीचे से डिनोमिनेटर में से सॉल्यूट के मोल्स को रिमूव कर देते हैं, मतलब ये वाला फॉर्मूला यूज किया। तो हमने NB की जगह पर आप देख सकते हैं 2/MB रख दिया, और NA की जगह पर क्योंकि ये 2% है तो वाटर हुआ 98 और सॉल्यूट हुआ 2 ग्राम, तो 98/18 और इसका आंसर 41.35 ग्राम आएगा। अगर हम इसमें फुल फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाला, तो इसका आंसर काफ़ी कम आएगा, ये शायद 33 के आसपास आएगा। पुरानी एनसीईआरटी में इसका आंसर 41.35 था, और नई एनसीईआरटी में इसका आंसर कम है, 33 के आसपास है। तो आप दोनों ही मेथड से कर सकते हैं, बट दूसरा वाला ज़्यादा करेक्ट है। डिस्कस करते हैं एक और क्वेश्चन जिसमें कहता है वाटर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर 23.8 mmHg दे रखा। जब हमने इसमें 50 ग्राम यूरिया डिजोल्व की 850 ग्राम वाटर में, तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, और रिलेटिव लोअरिंग भी बताओ। एक तरीका तो बच्चों क्या है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से थोड़ा कम आता है, तो जो भी आंसर आएगा वो 23.8 से थोड़ा सा कम आएगा, 23.8 से थोड़ा सा कम आएगा, ओके। तो हम देखते हैं, हमने ये फॉर्मूला यूज किया और इसमें वैल्यू को रखना शुरू किया, ठीक है, हमने इसमें वैल्यू को रखना शुरू किया, तो हम शुरू करते हैं इसमें वैल्यू रखना। हमने P नॉट A की जगह आप देख सकते हैं 23.8 रख दी, और नीचे क्योंकि फॉर्मूले में फिर से P नॉट है तो वहां भी 23.8 रख लिया। पी एस हमको निकालना है, अगर आप कॉम्पिटेटिव दे रहे हो तो बहुत आसान है, थोड़ा सा कम आएगा, ओके। अब ये जो मोल फ्रैक्शन वाला पार्ट है ये हमने ऊपर निकाला था, तो ये कितना पार्ट आ गया, इसकी वैल्यू को हमने यहाँ रख दी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पी एस की वैल्यू कितनी आ गई, पी एस की वैल्यू आ गई 23.38, जो पी टी सी या पी 23.8 से थोड़ी सी कम है। अब हमें रिलेटिव लोअरिंग निकालनी है, तो हमें पी नॉट ए तो पता ही था 23.8, ये आया 23.38 और पी नॉट ए पुराना, तो हमने इसको रख दिया और डिवाइड किया तो 0.176 आ गया। इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का 18 नंबर का क्वेश्चन है कि जब हमने कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, देखो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट देखते ही हमें पता लग गया ये वाला फॉर्मूला यूज होने वाला है, जिसका मोलर मास दिया है 40 ग्राम, विच शुड बी डिजॉल्व इन 114 ग्राम ऑक्टेन टू रिड्यूस वेपर प्रेशर, और वेपर प्रेशर पढ़ते ही पता लग गया नॉन वोलेटाइल का ये वाला फॉर्मूला। अब इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि जब हमने किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को 114 ग्राम ऑक्टेन में डिजॉल्व किया तो उसका वेपर प्रेशर 80% हो गया, मतलब 100 से डिक्रीज करके 80 हो गया। अब हमें W निकालना, तो बच्चों क्या किया हमने, P नॉट A को 100 मान लिया, आप चाहे तो कुछ और भी मान सकते, और पी एस इसने दे रखा है कि जितना भी था उसका 80% हो गया, तो 100 का 80% 80 हो गया, नीचे भी रख दिया। अब W हमें कैलकुलेट करना है, तो हमने नीचे उसका मोलर मास रख दिया, W फिर से रख दिया एन ए की जगह पर,
ऑक्टेन का मोलर मास भी 114 होता है और इसका वेट भी 14 होता है। हमने इसको सॉल्व किया, इधर का पार्ट 0.2 आ गया। जब हमने इसको सॉल्व किया तो W की वैल्यू 10 आ गई। अगर बच्चों हम इसमें नीचे से NV को नेगलेक्ट कर दें, मतलब WY 40 को नेगलेक्ट कर दें, तो इसी क्वेश्चन का आंसर 8 ग्राम होगा। कुछ किताबों में 8 ग्राम है और कुछ किताबों में 10 ग्राम है, दोनों ही आंसर करेक्ट माने जाएंगे। ये डिपेंड करता है कि कौन सा टीचर इसको चेक करता है।